हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 3 मैथ्स यूनिट नंबर 9 हाउ मेनी टाइम्स। बच्चों ये यूनिट हमने लास्ट टाइम अपनी टेक्स्ट बुक से फिनिश किया था और हमने बात की थी कि हम नेक्स्ट टाइम अपनी वर्क बुक सॉल्व करेंगे। तो चलो आज हम अपनी वर्क बुक स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 146 वहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉल को टू टू की पेयर बना के दी हुई है, टू बॉल्स, फिर से टू बॉल्स और थ्री टाइम टू बॉल्स दी हुई है, यानी टू प्लस टू प्लस टू इज इक्वल टू क्या होते हैं, सिक्स बॉल्स। या फिर टू को हम थ्री बार करते हैं, जैसे कि टू मल्टीप्लाई बाई थ्री बॉल्स इज इक्वल टू सिक्स। तो बच्चों इसी तरह आपको नेक्स्ट करना है। तो डू एज पर एग्जाम्पल, यानी जैसे आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया इसी तरह आपको करना है। तो बच्चों पहले दिया हुआ है रेलवे की पिक दी हुई है, थ्री थ्री रेलवे की बॉक्स है, कितनी बार है बच्चों, फोर टाइम दिए हुए थे, थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, तो क्या होगा बच्चों, बारह, यानी बट यहाँ पर हम थ्री को फोर टाइम करते हैं, जैसे कि वन टू थ्री एंड फोर, तो फोर टाइम ऑफ थ्री इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू बी ट्वेल्व। तो बच्चों आपको इसी तरह पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट सनफ्लावर दिए हुए हैं, वहां पर देखो एक पेयर में कितनी बार है, वन पेयर में फाइव आ रहा है, जैसे कि फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन, यानी यहाँ पर जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें आपको इसी तरह। अब उसके बाद नेक्स्ट फाइव को टू बार करते हैं, जैसे कि फाइव मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू। अब बच्चों नेक्स्ट पेज, वहां पर टॉय दिए हुए हैं, तो वन जो बॉक्सेस बना है उसमें टॉय कितनी बार है, सेवन बार है, सेवन बार टॉय दिए हुए, तो सेवन प्लस सेवन इज इक्वल टू यस 14। और हम सेवन को दो बार लेते हैं, जैसे कि सेवन मल्टीप्लाई बाय टू, यानी टू बार सेवन है तभी 14, यानी जो आंसर है वो क्या है बच्चों, बिल्कुल सेम दिया हुआ। उसके बाद लोटस दिए हुए, लोटस के फ्लावर्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वो देखो एक ही लाइन में फोर टाइम दिए हुए हैं क्योंकि फोर फ्लावर है, बट कितनी ऐसे कितनी लाइन है, वन टू थ्री फोर फाइव है, सिक्स टाइम है, क्योंकि फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर इज इक्वल टू, यानी फोर फोर को आप काउंट करो, फोर प्लस फोर एट, एट प्लस फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर। तो बच्चों इसी तरह आपको नेक्स्ट यहाँ पर पेंसिल दी हुई है, वो आपको अपनी आप कंप्लीट करना है। पेंसिल कितने बार है, यहाँ पर जो पेंसिल दी हुई है वो वन बॉक्स में एक पेंसिल है, एक, बट कितनी टाइम है, थ्री टाइम है, तो एट प्लस एट प्लस एट इज इक्वल टू एट प्लस एट सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस एट ट्वेंटी फोर। या फिर एट को हम थ्री टाइम लेते हैं तभी क्या होगा, ट्वेंटी फोर। यानी बच्चों यहाँ पर जो एडिशन है, जो चीज़ों का एडिशन हम करते हैं उसको हम गुना भी ले सकते हैं, जैसे कि ये एट थ्री बार है तो हमने एट मल्टीप्लाई बाई थ्री जिसका यूज करा तभी हमें आंसर क्या मिलता है, सेम ही आंसर मिलता है। तो ये जो सब है बच्चों आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट राइट इन मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम एज एग्जाम्पल, यानी मल्टीप्लीकेशन का जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है आपको इसी तरह कंप्लीट करना
जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ देखो 3 + 3 + 3 यानी 3 को कितनी बार दिया है 4 बार, तो 4 बार ऑफ 3। इसी तरह यहाँ पर आपको लिखना है 6 को कितनी बार यूज किया है 1 2 3 4 5 यानी 5 ऑफ 6। इसी तरह नेक्स्ट 4 को कितनी बार 3 बार, तो 3 ऑफ 4 यानी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आपको लिखना है। तो अब 9 × 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो 6 टाइम ऑफ 9। नेक्स्ट 4 टाइम ऑफ 7, उसके बाद 7 टाइम ऑफ 5 और यहाँ पर लास्ट में है 2 टाइम ऑफ 8। तो बच्चों जो भी बाकी क्वेश्चन है 7, 8 और 9 ये आपको अपनी बुक से लिखने हैं, जैसे मैंने अभी ये लिखा है इसी तरह आपको वो कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स यानी जो ब्लैंक फिल बाकी है उसे आपको कंप्लीट करनी है। एडिशन फॉर्म में जो थे उसे हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखे थे, बस ये भी इसी तरह है बच्चों। बट यहाँ पर क्या है 2 टाइम कितनी बार 4 बार, बट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 2 लिखा है, कितनी बार ये नहीं लिखा, तो हम लिखेंगे 4 बार। अब यहाँ पर 5 को देखो 3 टाइम लिखा तो है बट क्या, तो फिर 5। यहाँ पर ये तो लिख दिए बट कितनी बार बिटवीन यानी 7। तो बच्चे यहाँ पर 7, 6, 7, 8, 9 और 10 दिए हुए जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आप अपने दिल से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको सिखाया है कि कैसे कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग, बच्चों यही रूप से उसे मैच करना है। मैच द फॉलोइंग में पहला दिया हुआ है 1, 5 + 5 + 5 + 5 यानी 5 को कितनी बार दिया है 4 बार यानी 4 बाय ऑफ 5। तो कैसे आप मैच करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन है ई, उसके साथ उसे मैच
सूत्र दिया हुआ है उस नंबर फोर आपको मैच करना है, यानी पहला देखो 5 + 5 + 5 + 5 कितनी बार है, 5 4 times है, तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन में दिखता है उसे मैच करना है, जैसे यहाँ पर 4 times of 5। अब 7 में या 6 times of 3 जैसे कि, अब थर्ड यस 7 times of 6 4 times of 4 Next 1 2 3 4 and 5 5 times of 9 Last में 9 times of 8 तो बच्चों ये जो मैथ्स का प्रॉब्लम है इसी तरह आपको कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 राइट इन रिपीटिव एडिशन फॉर्म। अब क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म दिया हुआ है, आपको एडिशन फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर 6 times of 2 तुम्हें कितने टू को लिखते हैं 6 times कि 2 + 2 = 2 यानी पहले हम क्या करते थे, जो एडिशन फॉर्म था उसे मल्टीप्लिकेशन में लिखते थे, अब क्या है उससे उल्टा, यानी हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को एडिशन फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर 7 को कितने बार लिखेंगे, 3 times of 7 यानी 3 को हम 7 बार लिखेंगे। अब नेक्स्ट अंडरस्टैंड नॉन जा इट वुल रोटली ट्रांसलेशन इनटू आर, यानी यहाँ पर जो जा दिया हुआ है जैसे कि हम बोलते हैं इंग्लिश में वन वन जा मींस आर बोलते हैं वन मल्टीप्लिकेशन वन आर इज इक्वल टू वन, तो बच्चों यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन दिए हुआ है यानी हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, फिर टोटल डॉट्स एंड रीड एंड स्पीक हम कैसे उसे रीड कर सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसे, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है तो चलो हम रीड करते हैं। तो ये पहला है बच्चों, यहाँ पर तुम देख सकते हो सर्कल में वन डॉट है और कितनी बार है वन बार, तो कि वन जा वन मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन वन जा वन, इसी तरह सेकंड टू वन डॉट टू टाइम्स यानी वन डॉट कितनी बार है दो बार, तो वन मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू टू, तो कि वन टू जा टू, इसी तरह नेक्स्ट 1 3 = 3 1 4 = 4 1 5 = 5 1 6 = 6 1 7 = 7 1 8 1 9 = 9 1 10 = 10 यानी बच्चों ये जो पूरा है वो 1 का टेबल कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह नेक्स्ट 7 का टेबल दिया हुआ है,
यानी यहाँ पर देखोगे वन सर्कल में टू डॉट्स बनाए, यानी टू डॉट्स इज वन टाइम, यानी टू वन जा टू, टू वन जा टू। फिर नेक्स्ट इसी तरह टू डॉट्स दो बार आए, तो टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन और टू टेन जा ट्वेंटी। उसके बाद नेक्स्ट थ्री का टेबल है, यहाँ पर ट्राइंगल में कितने डॉट्स हैं, थ्री डॉट्स हैं, तो थ्री डॉट्स इन वन टाइम, यानी थ्री मल्टीप्लिकेशन वन इज इक्वल टू थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, थ्री टेन जा थर्टी। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो अभी भी टेबल रीड किए उसके ऊपर से भी यह हमारा जो दिया हुआ है वो हमें सीधे आंसर लिखने हैं, यानी टू का टेबल है और थ्री का टेबल है, यानी फिल इन द मिसिंग स्पेस विद नंबर ऑन द बेसिस ऑफ अ टेबल, यानी आपको कैसे लिखना है, टेबल का यूज करना है और ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है वो आपको कंप्लीट करनी है। तो चलो हम वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह थ्री का दिया हुआ है, थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो अब हमें यहाँ पर थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन। तो इसी तरह ये सर्कल भी आपको कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन सर्कल ऑन द बेसिक्स ऑफ टेबल, यानी यहाँ पर जो सर्कल है वो आपको टेबल के हिसाब से कंप्लीट करना है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर तुम्हें देख रहे हो कि दिया हुआ है थ्री, यानी हमें कौन सा टेबल यूज करना है, थ्री का। यानी वो लड़की के पास जो पूरी रस्सी है, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, थ्री
तो बच्चे ये जो पूरा सर्कल है इसी तरह आपको कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है बच्चों, वहां से नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको अपनी वर्कबुक फिलअप करनी है। थैंक यू बच्चों।